सीधी शिक्षा मैडिनी साथ सर चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 11th फिजिक्स का 11वां चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं जो 11वां चैप्टर है हमारे पास वो है कक्षा 11वीं भौतिकी का पदार्थों के उसमें गुण। हम लोग अब थर्मल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत जाते हैं, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कक्षा 11th फिजिक्स का हम लोग पदार्थों के उसमें गुण के बारे में आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग ऋणालु संख्या वगैरह के आसपास जो भी संख्या होती है बर्नौली का प्रमेय उस चीज को आप लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पदार्थों को उसमें गुण क्लास 11th फिजिक्स का, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से इंट्रोडक्शन के बेस पे। तो चलिए इंट्रोडक्शन के बेस पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रस्तावना के बेस पे। जिस प्रकार लोहार धातुओं को वांछित आकार में परिवर्तित करने के लिए जिस तरीके से जो लोहार होती है लोहार धातुओं को वांछित आकार में परिवर्तित करने के लिए पहले उसे रक्त तप तक करता है, उसे रक्त तप तक करता है, मतलब बार बार उस पर कड़ी मेहनत करके उसे रक्त तप तक करता है, खून पसीना से उसको संचित करता है, क्लियर। जिस तरीके से एक लोहार होता है वो धातुओं को वांछित आकार में अपने वांछित आकार में जिस आकार में उसको देना चाहता है उसके लिए वह कड़ी क्या करता है, मेहनत करता है, रक्त तप तक करता है, ठीक है। तो आकार में परिवर्तित करने के लिए पहले उसे रक्त तप तक करता है, फिर सुनार आभूषण तैयार करने के पूर्व, जो आप लोगों का लोहार होता है सुनार जो होता है वह आभूषण तैयार करने के पूर्व उष्मा देकर सोने के ताप में वृद्धि करता है, उष्मा देकर सोने के ताप में वृद्धि करता है, क्लियर। उष्मा देकर सोने के ताप में क्या करता है, वृद्धि करता है, क्लियर। कुछ उसमें उष्मा देगा उसके बाद जो सोने के ताप में उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा, वृद्धि होगा, ताप जैसे बढ़ता है उसके बाद आप वांछित आकार में जिस तरीके से आकार में देना चाहते हो उस आकार में वह बन जाता है। आइसक्रीम को उसके स्वरूप में बनाने के लिए, आइसक्रीम को उसके स्वरूप में बनाए रखने के लिए उसे निम्न ताप पर रखा जाता है, उसे निम्न ताप पर रखा जाता है, निम्न ताप पर मतलब ठंडी, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगा, ठीक है। इसलिए आइसक्रीम को उसके स्वरूप में बनाए रखने के लिए जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहने के लिए उसको निम्न ताप में रखा जाता है, कोल्ड स्थिति जो रहती है उस पर रखा जाता है। उसी प्रकार जो भोजन पकाने के लिए, एक और चीज़ देखिए, कंटेंट समझते रहिए, भोजन पकाने के लिए, उसी प्रकार भोजन पकाने के लिए हम विभिन्न व्यंजनों को उष्मा देकर उसके ताप में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर उसके उष्मा देकर उसके ताप में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो भोजन पकाने के लिए हम विभिन्न व्यंजनों को उष्मा देकर उसके ताप में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। वातावरण के, उसके बाद क्या है अगला, वातावरण के ताप में वृद्धि होने पर, वातावरण के ताप में वृद्धि होने पर, वातावरण के ताप में वृद्धि होने पर हमें गर्मी, देखिए वातावरण के ताप में वृद्धि होने पर हमें गर्मी तथा कमी होने पर, तथा कमी होने पर ठंड का एहसास होता है। जैसे वातावरण में टेम्परेचर कम होता है तो ठंडी का अनुभव होता है, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है जिस तरीके से, ठीक है। तो कमी होने पर ठंड का एहसास होता है। उसी प्रकार जो मानव शरीर का एक नियत ताप होता है, उसी प्रकार मानव शरीर का जो एक नियत ताप होता है जिसमें वह स्वरूप होता है, जिसमें वह क्या होता है, स्वरूप होता है, क्लियर। तो पानी एक निश्चित ताप पर उबलता है, देखिए कोई भी वाटर है जो एक निश्चित ताप पर उबलता है, पानी को गर्म करके भी देखे होंगे, एक निश्चित ताप मिलने पर ही वह उबलता है, नहीं तो उबलता नहीं है। तो पानी एक निश्चित ताप पर क्या होता है, उबलता है, मतलब गर्म होता है, एक नियत ताप पर बर्फ में परिवर्तित होता है, और एक नियत ताप पर, और एक नियत ताप पर जैसे कि 273 में आप लोगों को बर्फ बनता है ना केल्विन के बेस पे, तो एक पानी एक निश्चित ताप पर उबलता भी है, पानी एक निश्चित ताप पर बर्फ भी बनता है, तथा एक नियत ताप पर वाष्पित होकर गैस के रूप में, तथा एक नियत ताप पर वह वाष्पित होकर गैस के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ताप में वृद्धि या कमी वस्तु में ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। ताप में वृद्धि या कमी वस्तु के ऊष्मा पर क्या करती है, निर्भर करती है कि कम है कि ज्यादा है। तो मेन पॉइंट यही है आपका कि ताप में वृद्धि या फिर कमी वस्तु में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करती है,
ठीक है, तो ताप में वृद्धि होती है या फिर कमी होती है। ताप में क्या होती है, या तो वृद्धि होगी या फिर क्या होगी, कमी होगी। वह वस्तु उपस्थित ऊष्मा की मात्रा पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो प्रस्तावना के बेस में हम देखिए, यहाँ पर कई एग्जाम्पल के बेस में देखे हैं, यहाँ पर कई एग्जाम्पल के बेस में देखे हैं। चाहे वह लोहार धातुओं को वांछित कार्य परिवर्तित करने के लिए पहले उसे रक्त तप्त करे, चाहे वह सुनार आभूषण तैयार करने के पूर्व उसमें देखकर सोने के ताप में वृद्धि करे, चाहे आइसक्रीम को उसके स्वरूप में बनाए रखने के लिए उसे निम्न ताप पर रखा जाए, चाहे फिर भोजन पकाने के लिए हम विभिन्न व्यंजनों को उष्मा देकर उसके ताप में वृद्धि करें, चाहे वातावरण में ताप वृद्धि होने पर हमें गर्मी तथा कमी होने पर जिस प्रकार से ठंडी का एहसास होता है। मानव शरीर का एक ताप नियत होता है जिसमें वह उसके स्वरूप में होता है। पानी एक निश्चित ताप पर उबलता है और एक निश्चित ताप पर बर्फ हमें कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। एक नियत ताप पर वह वाष्प होकर गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ताप में वृद्धि या कमी वस्तुओं पर उपस्थित ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करता है, ताप पर डिपेंड करता है, ऊष्मा पर। वास्तव में ऊष्मा की मात्रा उसमें कम है कि ज्यादा है, एक नियत वे एक नियत ऊष्मा के बेस पे है कि एक नियत ताप के बेस पे है, इस पर वह डिपेंडेबल रहता है। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल और प्रस्तावना के बेस पे हम लोग ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा किस तरीके से परिवर्तित होता है, ऊष्मा क्या है, इसका एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो के थ्रू। क्लियर? आगे देखते हैं, अब पढ़ते हैं ऊष्मा के बारे में भाई। अब ऊष्मा दैनिक जीवन में आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जो फिजिक्स है हमारे दैनिक जीवन के अंतर्गत ही होता है, जो ऊष्मा होता है। आप लोग जिस तरीके से रसोई वगैरह में देखोगे, खाना बनाते समय देखोगे, ये चाय किसी भी टाइम में आप लोग ऊष्मा को देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर है कि ऊष्मा जिसको हम लोग हीट बोलते हैं, हीट है कि गर्म है। दैनिक जीवन में हम अनेक ऊष्मीय दैनिक जीवन में हम अनेक ऊष्मीय घटनाओं का अवलोकन करते हैं। क्लियर? दैनिक जीवन में देखिए, हमारे दैनिक जीवन में जितने फिजिक्स है, भौतिक अवस्था है, उसका तो हम लोग अध्ययन कर ही रहे हैं। साथ में दैनिक जीवन में हम लोग कई बार फील करते हैं, खाना बनाते समय भी हम फिजिक्स का उपयोग करते हैं, केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, सभी का उपयोग किसी न किसी तरीके में गणितीय अवधारणा के रूप में दैनिक जीवन में डेफिनेशन बेस, अवधारणा बेस, कहीं ना कहीं किसी भी बेस पे ये आप लोगों का यूज होता है। तो दैनिक जीवन में हम अनेक ऊष्मीय घटनाओं का अवलोकन करते हैं। जैसे दो वस्तुओं का आपस में, जैसे दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, जैसे दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनके पृष्ठ गर्म हो जाते हैं। कोई भी दो वस्तु होता है, जैसे कि हम लोग अभी ठंड के मौसम में क्या करते हैं, अपने दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं, तो क्या होता है, हमें गर्म की फील होती है। ठीक है, इसमें हम लोग गर्माहट फील होती है, गर्माहट फील होती है। यहाँ पर हम लोग जब दोनों हथेली को रगड़ते हैं, हम लोग अभी ठंड के मौसम में या किसी भी आप लोग वस्तु को करेंगे, तो ये भी आप लोग फील कर सकते हैं। क्लियर? तो इसी चीज़ को बोल रहा है कि दैनिक जीवन हम अनेक ऊष्मीय घटनाओं का अवलोकन करते हैं। जैसे दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनके पृष्ठ गर्म हो जाते हैं, उनके पृष्ठ क्या हो जाते हैं, उनके पृष्ठ गर्म हो जाते हैं। जैसे कि मोमबत्ती की जलती लौ के पास, जैसे मोमबत्ती की जलती लौ के पास, मोमबत्ती की जलती लौ के पास यदि हाथ ले जाया जाए, यदि हाथ को क्या किया जाए, ले जाया जाए, यदि हाथ को ले जाया जाए तो हमें गर्माहट महसूस होती है। हमें क्या महसूस होती है, गर्माहट महसूस होती है। क्लियर? यदि हम लोग मोमबत्ती की जलती लौ के पास यदि हाथ को ले जाते हैं, इस तरीके से हम लोग करते हैं ना, जैसे कि ठंड के मौसम में सिकड़ी के पास जाते हैं या आग के पास जाते हैं, इस तरीके से करते हैं ना हम लोग, क्योंकि ताकि हमको गर्माहट महसूस हो, हम लोग गर्म फील करें। ठीक है, उसी चीज़ को बोल रहा है कि मोमबत्ती की जलती लौ के पास यदि हाथ को ले जाया जाए तो हमें गर्माहट महसूस होती है। हमें क्या महसूस होती है, गर्माहट महसूस होती है। विद्युत बल्ब में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, किसमें, विद्युत बल्ब होता है जो आप लोगों की, क्या होता है आप लोगों की, विद्युत बल्ब होता है भाई, विद्युत बल्ब होता है आप लोगों का, क्या होता है, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो आप लोगों का। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है आप लोगों का, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो आप लोगों का, इस तरीके से जो बल्ब होता है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है, विद्युत बल्ब में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका फिलामेंट, उसका फिलामेंट तप्त होकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करता है, एवं क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो दैनिक जीवन में हम अनेक ऊष्मीय घटनाओं का अवलोकन करते हैं। जैसे दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनके पृष्ठ गर्म हो जाते हैं, मोमबत्ती की जलती लौ के पास यदि हाथ ले जाया जाए तो हमें गर्माहट महसूस होती है, विद्युत बल्ब में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका फिलामेंट तप्त होकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करता है।
क्लियर। तो जैसे कि हम लोग ये फील कर चुके हैं भाई कि जब भी हम लोग दैनिक जीवन में हम अनेक उष्मीय घटनाओं का अवलोकन करते हैं और जैसे दो वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, जैसे दो वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो उनके पृष्ठ क्या हो जाते हैं, आपस में गर्म हो जाते हैं। मोमबत्ती की जलती लौ के पास, मोमबत्ती की जलती लौ के पास, मोमबत्ती की जलती लौ के पास यदि हाथ को ले जाया जाए तो हमें गर्माहट महसूस होती है। और क्या होती है, विद्युत बल्ब में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका फिलामेंट तप्त होकर, तो उसका फिलामेंट तप्त होकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित कर लेता है। तो इसको हम लोग ऊष्मा के रूप में देखते हैं भाई। जब दैनिक जीवन में हम अनेक ऊष्मीय घटनाओं का क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो दो वस्तुओं का आपस में रगड़ते हैं तो उनके पृष्ठ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो मोमबत्ती की जलती लौ के पास यदि हाथ को ले जाते हैं हम लोग तो हमें क्या महसूस होती है, गर्माहट महसूस होती है। जब विद्युत बल्ब को हम जब धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं तो उसका भी फिलामेंट तप्त होकर ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो इसको हम लोग ऊष्मा के रूप में देखते हैं, ऊष्मा के संचरण के रूप में देखते हैं। ऊष्मा तपता होती है कि नियत ताप के बेस पे होती है। इस चीज का हम लोग इस पूरे चैप्टर में ऊष्मा के बारे में ही जानने वाले हैं। तो एक एक कंटेंट के बेस पे हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हुए चलते हैं, आगे देखते हैं भाई। अब चलिए इसका डेफिनेशन के बेस पे हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि जो ऊष्मा होती है, जो आप लोगों की क्या होती है भाई, ऊष्मा जो होती है वास्तव में यहाँ पर बोल रहा है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ पर देखिए ऊष्मा एक प्रकार की क्या है बोल रहा है, ऊर्जा है। देखिए यहाँ से अगर इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ से तो क्या बोलते हैं, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे देखा नहीं जा सकता। चलिए जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि ये जो ऊष्मा होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। ये आप लोगों की ऊष्मा क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता परंतु क्या होता है, अनुभव किया जा सकता है। जिसे देखा नहीं जा सकता परंतु क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। हम ऊष्मा को एक ऊर्जा के रूप में देख नहीं सकते, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, प्रतीत कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी वस्तु को जब ऊष्मा दी जाती है, उसी प्रकार जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है, उसी प्रकार किसी वस्तु को क्या होती है, कोई भी वस्तु होती है इस तरीके से, कोई भी वस्तु है इस तरीके से, ठीक है, उसको इस तरीके से क्या किया जा रहा है, ऊष्मा दिया जा रहा है भाई। इस तरीके से आपको क्या किया जा रहा है, ऊष्मा दिया जा रहा है, ऊष्मा दिया जा रहा है। तो किसी वस्तु को जब ऊष्मा दी जाती है तो उसका ताप बढ़ जाता है, तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। तथा जब किसी वस्तु से ऊष्मा बाहर निकाल ली जाती है, और जब किसी वस्तु से ऊष्मा बाहर निकाल ली जाती है, और जब किसी वस्तु से ऊष्मा को, जब किसी वस्तु से ऊष्मा को बाहर निकाल ली जाती है, बाहर निकाल, बाहर निकाल ली जाती है, ठीक है, तो जब किसी वस्तु को ऊष्मा बाहर निकाल ली जाती है तो उसका ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जाहिर सी बात है कि ऊष्मा हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से तो उसका ताप क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कम हो जाएगा। जैसे कि इस पर है, इस पर ये गर्म हो रहा है, कोई भी वस्तु है जो जिसको हम लोग हीटर वगैरह में रखें या आग में रखें, किसी पर भी रखें, तो ऊष्मा, उसका ऊष्मा ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे उसको हम लोग ऊष्मा उसको बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से, तो उसका ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप लोग घर में भी इस चीज़ को फील कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी को बोल रहा है कि किसी वस्तु को जब ऊष्मा दी जाती है तो उसका ताप बढ़ जाता है, तथा जब किसी वस्तु से ऊष्मा बाहर निकाल ली जाती है तो उसका ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चूंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, चूंकि ऊष्मा एक प्रकार की, देखिए यहां से हम लोग इस चीज को बोल सकते हैं, चूंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, अतः इसके किसी वस्तु में प्रवेश कराने, अतः इसके किसी वस्तु में प्रवेश कराने या बाहर निकालने पर यदि हम लोग क्या देखते हैं कि इसके किसी वस्तु में प्रवेश कराते हैं, यदि इसके किसी वस्तु में हम लोग प्रवेश कराते हैं, प्रवेश कराने पर या बाहर निकालने पर उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके जो मास होता है, द्रव्यमान होता है आप लोगों का, ये मास या आप लोगों का जो द्रव्यमान होता है भाई, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी चीज़ को बोल रहा है कि किसी वस्तु को जब हम ऊष्मा देते हैं, किसी वस्तु को जब हम लोग क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, किसी वस्तु को जब हम ऊष्मा देते हैं तो उसका ताप बढ़ जाता है, तथा जब किसी वस्तु से ऊष्मा बाहर निकाल ली जाती है, जब किसी वस्तु से ऊष्मा बाहर निकाल ली जाती है तो उसका ताप कम हो जाता है। चूंकि ऊष्मा एक प्रकार की, चूंकि ऊष्मा एक प्रकार की वह ऊर्जा है, चूंकि ऊष्मा एक प्रकार की वह ऊर्जा है, ऊर्जा है जिसके जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु में प्रवेश कराते हैं या फिर क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसके द्रव्यमान पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन था, एज इट इज रहता है, जैसा का वैसा उसी स्थिति में रहता है, क्लियर। तो इसी चीज़ को बोल रहा है कि ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है जिसे देखा नहीं जा सकता परंतु क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। किसी वस्तु को जब हम ऊष्मा करते हैं तो उसका ताप बढ़ते जाता है, कहीं पर की बात है, जैसे हम लोग चाय
कर्म करते, खाना पकाते, कहीं पर ऊष्मा बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे हम नीचे ले आते हैं भाई, वहाँ से निकाल लेते हैं, तो वहाँ से उसका ताप क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, अतः हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गैस की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। जो गैस की कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अर्थात हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि गैस की जो कुल ऊर्जा होती है वह क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गैस की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, जिसे ऊष्मीय ऊर्जा या फिर आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी, या फिर क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो गैस की कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, जिसे हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा या फिर आंतरिक ऊर्जा के रूप में जानते हैं इस चीज़ को हम लोग, या इस चीज़ को हम ये बोल सकते हैं भाई कि गैस की जो कुल ऊर्जा होती है वह क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, जिसे हम लोग उसमें ऊर्जा कहते हैं, या फिर क्या ऊर्जा कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। क्लियर, तो यह था आज का हमारा, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे देखा नहीं जा सकता परंतु अनुभव किया जा सकता है। चलिए इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं हम लोग, इसका आगे का कंटेंट क्या है, इसका आगे का कंटेंट इस प्रकार है, इसको आप लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि उष्मा एक प्रकार की, फर्स्ट चीज है इसमें हम लोग ये चीज रख सकते हैं कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार की क्या है भाई, ऊर्जा है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता परंतु क्या किया जा सकता है भाई, अनुभव किया जा सकता है, परंतु क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो आपको पूछेगा कि भाई उष्मा क्या है, तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे अनुभव किया जा सकता है। सेकेंड चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये सेकेंड चीज को हम लोग देखते हैं भाई, सेकेंड नंबर का जो चीज है, सेकेंड टॉपिक, किसी वस्तु को उष्मा देने, देखिए किसी वस्तु को उष्मा देने अथवा उससे उष्मा बाहर निकालने पर, किसी वस्तु को उष्मा देने अथवा उससे उष्मा बाहर निकालने पर, क्लियर, किसी वस्तु को उष्मा दे देते हैं, उष्मा दे देते हैं भाई, तो किसी वस्तु को उष्मा देने पर अथवा उससे उष्मा बाहर निकालने पर उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता भाई, ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं भाई, एज इट इज रहता है, यथावत यथा स्थान, जितना है उतना ही रहेगा भाई। तो उसी चीज को बोल रहा है कि किसी वस्तु को उष्मा देने, किसी वस्तु को उष्मा देने अथवा उससे उष्मा बाहर निकालने पर उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके द्रव्यमान में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर, और थर्ड चीज में हम लोग देखते हैं इस चीज को भाई, थर्ड थिंग में, थर्ड चीज में हम लोग इस चीज को देखने वाले हैं क्या होता है, कि जो उष्मा होती है भाई, क्या होती है, जो उष्मा होती है, क्या होती है, जो उष्मा होती है वह स्थिर आयतन पर किसी गैस के, ठीक है, कोई भी उष्मा होती है वह स्थिर आयतन पर किसी गैस के समस्त अणुओं की ऊर्जा की माप है, समस्त अणुओं की ऊर्जा की क्या होती है, माप होती है। तो उष्मा स्थिर आयतन पर किसी गैस के समस्त अणुओं की ऊर्जा की क्या है, माप है। चौथा चीज हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, चौथा क्या होती है, चौथा ये चीज होती है, किसी उष्मा गति की निकाय का वह गुण, किसी उष्मा गति की निकाय का वह गुण जो उसके उष्मीय की अवस्था को क्या करता है, नियंत्रित करता है तथा क्या करता है, उसको अवशोषित करता है, वह क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, किसी ऊष्मागतिकी निकाय, किसी ऊष्मागतिकी, किसी ऊष्मागतिक निकाय का वह गुण, किसी ऊष्मागतिक निकाय का वह गुण जो उसके उष्मीय की अवस्था को नियंत्रित करता है ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। तो किसी ऊष्मागतिकी निकाय का वह गुण जो उसके उष्मीय की अवस्था को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। इससे पहले थर्ड हम लोग ये चीज देखे हैं कि उष्मा स्थिर आयतन पर किसी गैस के समस्त अणुओं की ऊर्जा की माप है,
यहाँ पर एक चीज हम लोगों ने देखे हैं कि ऊष्मा स्थिर आयतन पर किसी गैस के ऊष्मा स्थिर आयतन पर किसी गैस के समस्त अणुओं की ऊर्जा की क्या होती है भाई, माप होती है। तो ऊष्मा स्थिर आयतन पर किसी गैस के समस्त अणुओं की ऊर्जा की माप होती है। किसी ऊष्मागतिक निकाय का वह गुण, किसी ऊष्मागतिक निकाय का वह गुण जो उसके ऊष्मीय की अवस्था को नियंत्रित करता है, ताप कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ताप कहलाता है। तो महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत हम लोगों ने ये चीज देखे कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे देखा नहीं जा सकता परंतु अनुभव किया जा सकता है। किसी वस्तु को ऊष्मा देने, क्लियर, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु को ऊष्मा देने अथवा उससे ऊष्मा बाहर निकालने पर उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके द्रव्यमान में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो किसी वस्तु को ऊष्मा देने अथवा उससे ऊष्मा बाहर निकालने पर उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इस चीज को देखते हैं तीसरा कंटेंट के रूप में, ऊष्मा स्थिर आयतन पर किसी गैस के ऊष्मा स्थिर आयतन पर किसी गैस के ऊष्मा स्थिर आयतन पर किसी गैस के समस्त अणुओं की ऊर्जा की माप है। समस्त अणुओं की क्या है, ऊर्जा की माप है। तो किसी ऊष्मागतिकी निकाय का वह गुण, किसी ऊष्मागतिक निकाय का वह गुण जो उसके ऊष्मीय की अवस्था को क्या करता है, नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है भाई, ताप कहलाता है। वह क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। तो इसको हम लोग ऊष्मा के महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत देख लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ऊष्मा के बारे में बता सकते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे हमको देखा नहीं जा सकता परंतु अनुभव फील किया जा सकता है। क्लियर, आगे का कंटेंट को देखते हैं। जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर, कोई भी गैस होती है, ठीक है, जो कि हमारा हमारे जो पदार्थ की अवस्था होती है ठोस द्रव गैस के रूप में होती है, ठीक है। जो पदार्थ के हमारे पास जो अवस्था होती है, जो पदार्थ होती है छोटे छोटे कणों से मिलकर के जो बड़ी होती है, छोटे छोटे अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बनी होती है। जो पदार्थ है अणु है, ये अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बनी होती है। परमाणु पर क्या होता है, आपके नाभिक होता है और नाभिक के अंतर्गत आप लोगों का क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है, प्रोटॉन होता है, जिसके चारों तरफ आप लोगों के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर, तो जो पदार्थ की प्रवस्था होती है, तीन प्रवस्था होती है, क्या होती है, ठोस प्रवस्था होती है, ठोस होती है और क्या होती है, द्रव होती है और क्या होती है, गैस होती है। तो इसकी तीन प्रवस्था होती है, पहला ठोस होती है, दूसरा क्या होती है, द्रव होती है और तीसरा क्या होती है, गैस होती है। तो पदार्थ की जो प्रवस्था होती है, पहला ठोस के अंतर्गत होती है, दूसरा द्रव के अंतर्गत होती है और तीसरा गैस के अंतर्गत होती है। तो चलिए इसी चीज को देखते हैं कि जब किसी गैस को, ठीक है, जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर ऊष्मा दी जाती है, जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर ऊष्मा दी जाती है, क्लियर, जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर ऊष्मा दी जाती है तो उसका ताप, तो उसका टेम्परेचर, उसका ताप ना, उसका टेम्परेचर, क्लियर, उसका ताप, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस स्थिति में ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, इस स्थिति में जो उसका तो ताप होता है, जो आपका टेम्परेचर होता है, जो आपका क्या होता है, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आप लोगों का, टेम्परेचर होता है, यहाँ पर आप लोगों का क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है, ठीक है। तो जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर, जब किसी गैस को तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर, जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर ऊष्मा दी जाती है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। इस स्थिति में ऊष्मीय ऊर्जा गैस की आणविक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है। इस स्थिति में जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है भाई, इस स्थिति में जो आपकी ऊष्मीय ऊर्जा होती है वह गैस की आणविक गतिज ऊर्जा में क्या कर देती है, परिवर्तन कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं भाई कि जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर रखते हैं या स्थिर आयतन पर क्या की जाती है, ऊष्मा दी जाती है तो उसका ताप बढ़ जाता है। इस स्थिति में ऊष्मीय ऊर्जा गैस की आणविक गतिज ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तन कर देती है। अर्थात यहां से हम लोग देख सकते हैं, अर्थात गैस को ऊष्मा देने पर, अर्थात गैस को ऊष्मा देने पर उसके अणुओं की, अर्थात हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं कि गैस को ऊष्मा देने पर उसके अणुओं की,
गैस को ऊष्मा देने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा, गैस को ऊष्मा देने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ताप क्या होती है? आदर्श गैस के अणुओं की होती है। ताप क्या होती है? आदर्श गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की माप है। क्लियर। जो आपका ताप है, जो आप लोगों का ताप है आदर्श गैस के अणुओं की, जो आइडियल गैस है कि अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की क्या होती है? उसकी माप होती है। तथा हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो ऊष्मा होती है वह स्थिर आयतन पर गैस के समस्त अणुओं के कुल गतिज ऊर्जा की क्या होती है? माप होती है। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ बोल सकते हैं कि आदर्श गैस, ठीक है, जो ताप होती है यहाँ पर, ताप आदर्श गैस के अणुओं की, जो यहाँ पर आपकी ताप होती है वह आदर्श गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का माप है। तथा उष्मा, दूसरा चीज देखते हैं, तथा उष्मा स्थिर आयतन पर गैस के समस्त अणुओं की समस्त अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा की माप होती है। कुल गतिज ऊर्जा की माप है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर ऊष्मा दी जाती है तो उसका ताप बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, उसको जितना ऊष्मा देते जाओगे उसका तो ताप बढ़ते ही जाएगा। इस स्थिति में ऊष्मीय ऊर्जा गैस की आणविक गतिज ऊर्जा में क्या होती है? परिवर्तन कर देती है। अर्थात गैस को ऊष्मा देने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ताप आदर्श गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की क्या होती है? माप होती है। तथा ऊष्मा स्थिर आयतन पर गैस के अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा की माप की क्या होती है? बराबर होती है। क्लियर। इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं भाई। जब हम लोग इस चीज़ को तुलना करते रहते हैं तो गैस की स्थिति में हम लोग जो पदार्थ की प्रकृति के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो पदार्थ की प्रकृति होती है, तीन प्रवस्था के रूप में हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं कि जो पदार्थ होती है वह ठोस के रूप में होती है, ठोस के रूप के बाद वह द्रव के रूप में आती है, फिर गैस के रूप में क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। जो पदार्थ होते हैं हमारे पास, पदार्थ जो हमारे होते हैं वो छोटे छोटे क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिल करके बने होते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिल करके बने होते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं वे छोटे छोटे अणुओं से मिल करके बने होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और जो अणु होता है भाई वह छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। और परमाणु के केंद्रीय भाग पर क्या होता है? हमारा नाभिक स्थित होता है। नाभिक पर दो पार्टिकल आपके दो कण मौजूद होते हैं। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आपका क्या होता है? धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? अनावेशित होता है। और उस नाभिक के चारों ओर पर क्या इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। जो नाभिक के पास स्थित होते हैं उसको क्या इलेक्ट्रॉन कहते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाभिक से दूर स्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो नाभिक के पृष्ठ पर गति करने लगते हैं, वे अगर उसके बगल में कोई और दूसरा अणु है या किसी प्रकार का पदार्थ है जिसका नाभिक की शक्ति दूसरे पहले वाले पदार्थ से अधिक तीव्र गति की सील है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पृष्ठ पर गति करने के साथ नाभिक से जितनी दूरी बढ़ते जाता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से पृष्ठ पर गति करते रहते हैं। एक सीमा ऐसी आती है कि वह दूसरे प्रबल शक्तिशाली पदार्थ के ऊपर क्या हो जाती है? चली जाती है, मतलब उसके तरफ अग्रसर हो जाती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अंतर्गत, आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत देखे थे, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होती है कम शक्ति से अधिक शक्ति की तरफ क्या होती है? मूवमेंट करती है, मतलब त्वरित होती है, उसके तरफ आगे वह बढ़ती जाती है। तो उसी चीज को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो चलिए, गैस की तुलना में द्रव तथा ठोस के अणु है, अतः उनके अणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल,
ठीक है, अतः उनके अणुओं के मध्य लगने वाले, अतः उनके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण को, आकर्षण को नगण्य नहीं माना जा सकता। क्या नहीं माना जा सकता? नगण्य नहीं माना जा सकता, नगण्य नहीं माना जा सकता। अर्थात द्रव तथा तथा गैस के अणु जो होते हैं, अर्थात द्रव तथा गैस के अणुओं की एक निश्चित स्थितिज ऊर्जा, एक निश्चित स्थितिज ऊर्जा होती है। एक क्या होती है? एक निश्चित स्थितिज ऊर्जा होती है। तथा इन अणुओं की गति के कारण, तथा इन अणुओं की गति के कारण, क्लियर, इन अणुओं की गति के कारण इनकी गतिज ऊर्जा होती है। इन अणुओं की गति के कारण, अब अणु की गति के कारण ही आपकी गतिज ऊर्जा होगी भाई, अणु की गति के कारण ही इसकी क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। अणु की गति के कारण ही इसकी क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो अणुओं की हम लोग देखते हैं, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा को क्रमशः, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा को क्रमशः आणविक स्थितिज ऊर्जा, क्या बोल सकते हैं? आणविक स्थितिज ऊर्जा, आणविक स्थितिज ऊर्जा तथा आणविक गतिज ऊर्जा, तथा आणविक गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आणविक, इसको क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो गैस की तुलना में द्रव तथा ठोस के जो अणु होते हैं भाई, गैस की तुलना में क्या होती है? जो द्रव होती है तथा ठोस के क्या होती है? जो अणु होती है। अतः उनके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण को, उनके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण को नगण्य नहीं माना जा सकता, नगण्य नहीं माना जा सकता। अर्थात अर्थात द्रव तथा अणुओं के एक निश्चित स्थितिज ऊर्जा होती है, अर्थात द्रव तथा अणुओं की एक निश्चित क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती होती है। तथा इन अणुओं की गति के कारण, तथा इन अणुओं के गति के कारण इनकी जो गतिज होती है, ऊर्जा जो होती है वह गतिज ऊर्जा होती है। अणुओं की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा को क्रमशः हम लोग आणविक स्थितिज ऊर्जा या आणविक गतिज ऊर्जा के रूप में कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, समस्त अणुओं की गतिज ऊर्जा, क्लियर। अब देखिए ब्रह्मांड में जितने भी ऊर्जा हैं इस तरीके से, तो समस्त अणुओं की गतिज ऊर्जा ना, समस्त अणुओं की गतिज ऊर्जा, समस्त अणुओं की गतिज ऊर्जा, समस्त अणुओं की गतिज ऊर्जा, देखिए समस्त अणुओं की गतिज ऊर्जा के आंतरिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि समस्त अणुओं की गतिज ऊर्जा के आंतरिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, समस्त अणुओं की गतिज ऊर्जा के आंतरिक गतिज ऊर्जा, आंतरिक क्या होती है? गतिज ऊर्जा। समस्त अणुओं के, अणुओं की गतिज ऊर्जा के आंतरिक गतिज ऊर्जा तथा तथा यहाँ पर बोल रहा है कि समस्त अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, समस्त अणुओं की क्या होती है? जो स्थितिज ऊर्जा होती है, समस्त अणुओं की क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा को आंतरिक स्थिति के लिए, ऊर्जा को आंतरिक स्थिति के लिए, ऊर्जा को आंतरिक स्थिति की ऊर्जा के रूप में हम लोग क्या करते हैं? आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में इस चीज़ को जानते हैं। यहाँ पर एक दो स्टेप मिसिंग था, क्लियर। तो किसी पदार्थ की आंतरिक गतिज ऊर्जा, फाइनली हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी पदार्थ की आंतरिक गतिज ऊर्जा, किसी पदार्थ की आंतरिक गतिज ऊर्जा तथा आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, दो चीज है यहां पर देखिए, किसी पदार्थ की आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। कोई भी पदार्थ है भाई, इस पदार्थ की अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो आंतरिक 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 गतिज ऊर्जा, आंतरिक क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। और आंतरिक क्या होती है? आंतरिक क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कोई भी पदार्थ है भाई, उसकी आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है और उसकी आंतरिक क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। इसके योग को, इसके योग को मतलब दोनों को कुल मिलाकर योग को उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा, उस पदार्थ के क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा, या फिर उस पदार्थ के क्या बोलते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा बोलते हैं, या उस पदार्थ के क्या बोलते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी कहते हैं, उसकी क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो चलिए इस चीज को हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि गैस की तुलना में द्रव तथा ठोस के अणु है,
गैस की तुलना में द्रव तथा ठोस के अणु है, अतः उनके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण को नगण्य नहीं माना जा सकता। उसके जो वास्तव में जो आकर्षण के बल है उसको नगण्य हम लोग नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ की आंतरिक गतिज ऊर्जा तथा आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के योग को उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हम जानते हैं, या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उसको कहा जाता है। क्लियर? आगे का कंटेंट है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। जब किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करते हैं, भाई थ्योरिकल चीज है, थ्योरिकल चीज को आपको वन बाय वन करके पढ़ते हुए जाना है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी कंटेंट को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एग्जाम में किसी भी दृष्टि से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनल क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के बीच में, इन साइड क्वेश्चन आ सकता है, आउटसाइड जो क्वेश्चन आएगा वो तो आप लोग जान जाओगे, लेकिन इन साइड क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। अगर यहाँ से अगर थ्योरिकल चीज को पूरा कंटेंट को नहीं पढ़ पाते हैं तब इन साइड क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। क्लियर? इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा में, यहाँ पर देखिए, जब किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर? जब किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है अर्थात उसे ऊष्मा दी जाती है। क्लियर? जब किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है अर्थात उसे ऊष्मा दी जाती है तो गैस अणुओं का वेग बढ़ जाता है। गैस अणुओं का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। गैस अणुओं का जो वेग होता है वो क्या हो जाता है, होता है वो बढ़ जाता है, तथा अणु अधिक अनियमित हो जाते हैं, उनका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। भाई उनका जो वेग होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, तथा जो अणु होते हैं अधिक अनियमित हो जाते हैं। जो अणु होते हैं क्या हो जाते हैं, अधिक क्या हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं, तथा आंतरिक ऊर्जा, तथा इनकी जो आंतरिक ऊर्जा है भाई, तथा इनकी जो क्या है, आंतरिक ऊर्जा है, वह कम होने पर, जो आंतरिक ऊर्जा है भाई वह कम होने पर, इस चीज को देखिए, जो आंतरिक ऊर्जा है वह कम होने पर। क्लियर? यहाँ पर इसी चीज को बोल रहा है कि जब किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है अर्थात उसे ऊष्मा दी जाती है तो गैस अणुओं का वेग बढ़ जाता है, तथा अणु अधिक अनियमित हो जाते हैं, तथा आंतरिक ऊर्जा कम होने पर उसके अणुओं की अनियमितता भी कम हो जाती है, उनकी अनियमितता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए, उसके अणुओं की अनियमितता भी कम हो जाती है जब अधिक ताप वाली, ठीक है, जब अधिक ताप वाली किसी वस्तु को कम ताप वाली, जब अधिक ताप वाली ना कोई भी वस्तु है भाई, जब अधिक ताप वाली, अधिक ताप वाली, ठीक है, अधिक ताप वाली है, इस चीज को देखते हैं, अधिक ताप वाली, इस चीज को देखते हैं। देखिए, जब अधिक ताप वाली किसी वस्तु को कम ताप वाली वस्तु के संपर्क में रखा जाता है, कम ताप वाली वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो अधिक ताप वाली वस्तु, तो अधिक ताप वाली वस्तु के, तो अधिक ताप वाली वस्तु के, क्लियर, तो अधिक ताप वाली वस्तु के अणु कम ताप वाली वस्तु के अणुओं से टकराते हैं। ठीक है, कम क्या होती है, अणु कम ताप वाली वस्तु के अणुओं से क्या होती है, टकराती है, जिससे अधिक ताप वाले अणुओं की अनियमितता में कमी आती है। जिससे अधिक जो ताप वाले होते हैं उसके अणुओं की अनियमितता में क्या आती है, कमी आती है। इसी चीज को देख रहे हैं हम लोग, जिससे आप लोगों के अधिक ताप वाले, जो भी इससे अधिक ताप वाले हैं भाई, कम ताप वाले अधिक ताप वाले तो रहते ही हैं, जिससे कि अधिक ताप वाले अणुओं की अनियमितता में कमी आती है, अनियमितता में कमी आती है, तथा कम ताप वाले अणुओं की अनियमितता में क्या होती है, वृद्धि होती है, तथा जब दोनों पदार्थ के ताप, तथा जब दोनों पदार्थ के ताप, यहां पर देखिए, तथा जब दोनों पदार्थ के ताप एक समान हो जाते हैं, तथा जब दोनों पदार्थ के ताप एक समान हो जाते हैं तो उनके अणुओं की अनियमितता, तो उनके अणुओं की अनियमितता, तो उनके अणुओं की अनियमितता भी एक समान हो जाती है, तो उनके अणुओं की अनियमितता भी क्या हो जाती है, एक समान हो जाती है, उनके अणुओं की नियमितता भी क्या हो जाती है, एक समान हो जाती है। अर्थात यहाँ पर हम लोग ये चीज को देख सकते हैं कि वह ऊर्जा, यहाँ से हम लोग ये चीज को देख सकते हैं कि वह ऊर्जा जो तापांतर के कारण, वह ऊर्जा जो तापांतर के कारण, यहाँ पर देखिए, वह ऊर्जा जो तापांतर के कारण, तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तापांतर के कारण क्या होती है भाई, स्थानांतरित होती है, वह क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। स्थानांतरित होती है वह क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज को देख सकते हैं कि जब किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है अर्थात उसे ऊष्मा दी जाती है तो गैस अणुओं का वेग बढ़ जाता है, तथा अणु अधिक अनियमित हो जाते हैं, तथा आंतरिक कम होने पर उसके अणुओं की अनियमितता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब अधिक ताप वाली किसी वस्तु को कम ताप वाली वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो अधिक ताप वाली वस्तु के अणु कम ताप वाली वस्तु के अणुओं से टकराते हैं, जिससे अधिक ताप वाले अणु की
अणुओं की अनियमितता में क्या होती है, कमी होती है, तथा कम ताप वाले अणु की अनियमितता में वृद्धि होती है, तथा जब दोनों पदार्थ के ताप एक समान हो जाते हैं तो उनके अणुओं की अनियमितता भी एक समान हो जाती है, अर्थात वह ऊर्जा जो तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है वह ऊष्मा कहलाती है। वह क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। तो ये जो था वो गैस द्रव ठोस के रूप में जो था, जिसको हम लोग पदार्थ की प्रवस्था के रूप में देखते हैं, जिसके अंतर्गत ठोस भी आता है, द्रव भी आता है, भाई गैस भी आता है, जो कि पदार्थ आपके छोटे छोटे मॉलिकल से मिल करके मले होते हैं, जो कि छोटे छोटे आप लोगों के जो पदार्थ है भाई वो अणु से मिल करके बने होगा। जो अणु होता है क्या होता है, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्रीय भाग में क्या होता है, नाभिक स्थित होता है, और नाभिक में आपके दो कण स्थित मौजूद होते हैं, एक न्यूट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन आपका अनावेशित होता है, प्रोटॉन आप लोगों का क्या होता है, धनावेशित होता है। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गमन करता है, मतलब चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्लियर। अब यहां से हम लोग देखते हैं ताप, वास्तव में टेम्परेचर क्या होता है। हीट को तो देख लिए, उष्मा को देख लिए, अब टेम्परेचर क्या होता है भाई, इस चीज को हम लोग जानते हैं। ताप के बारे में हम लोग जानते हैं, वास्तव में ताप क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए, तो ताप के बेस पे इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं। देखिए, ताप के बेस पे देखते हैं, जिस प्रकार दो टंकियों को एक नली से जोड़ देने पर, जिस प्रकार दो टंकियों को एक नली से जोड़ देने पर उसमें भरे पानी के प्रवाह को, उसमें भरे पानी के प्रवाह की दिशा अधिक होती है, उसमें भरे पानी के प्रवाह की दिशा क्या होती है, अधिक ऊंचाई तक भरे टंकी से कम ऊंचाई तक भरे टंकी की ओर होती है। मतलब ज़्यादा भरे टंकी से कम की तरफ होती है, अग्रसर होती है। ठीक है, अतः ताप किसी वस्तु का वह गुण है। फाइनली हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो यह बतलाता है कि यदि उस वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में रख दिया जाए, यदि उस वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में रख दिया जाए तो ऊष्मा के बहने की दिशा, तो ऊष्मा की बहने की दिशा क्या होगी, यदि दोनों में ऊर्जा विनिमय संभव हो, यदि दोनों में ऊर्जा विनिमय संभव, विनिमय मतलब आदान प्रदान करना, एक से एक को देना, दूसरे से लेना, दूसरा लेगा पहले को देगा, इस तरीके से विनिमय आदान प्रदान करना। जैसे कि आप 2 किलो आटे की जगह 2 किलो, 2 किलो आटे की जगह आप 2 किलो चावल दे रहे हैं, इस तरीके से आदान प्रदान, मतलब पहले वाले को आपको ऊर्जा चाहिए कि ताप चाहिए, इस तरीके से पहले वाले को आदान प्रदान करके कुछ उसको चाहिए, उसको जो चाहिए वो आपके पास है, आपको जो चाहिए वो उसके पास है, तो आदान प्रदान विनिमय आप लोग संभव हो, तो विनिमय आदान प्रदान हो सकता है। तो यहां से एग्जाम्पल के बेस पे हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो ऊष्मा या ऊर्जा से ऊर्जा वस्तु से हमारे हाथ की ओर प्रवाहित होती है, हमारे हाथ की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है, तथा हमें गर्मी का एहसास होता है, तथा हमें क्या होता है, गर्मी का एहसास होता है भाई। तो जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें ऊष्मा या ऊर्जा वस्तु से हमारे हाथ की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है, तथा हमें गर्मी का एहसास होता है। और सेकेंड चीज हम लोग यहाँ से देखते हैं कि जब बर्फ के किसी टुकड़े को वायुमंडल में रखा जाता है, जब बर्फ के किसी टुकड़े को किस में रखा जाता है भाई, वायुमंडल में रखा जाता है, तो ऊष्मा धीरे धीरे वायुमंडल से बर्फ में परिवर्तित होती है, बर्फ में क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ऊष्मा होती है धीरे धीरे वायुमंडल से बर्फ में क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है, तथा कुछ समय पश्चात, यहां से हम लोग ये मान सकते हैं, तथा कुछ समय पश्चात पूरा बर्फ पिघल कर वायुमंडलीय ताप के पानी में क्या हो जाती है भाई, परिवर्तित हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि उसमें उसमें जाएगा तो वो जो बर्फ है वो तो पानी के रूप में बहेगा ही भाई, क्योंकि आप लोगों का ताप बढ़ेगा तो बर्फ आप लोगों का कन्वर्ट होते जाएगा, बर्फ आप लोग पूरा द्रव की तरफ में, फिर वह पानी बन जाएगा। जिस तरीके से टेम्परेचर आपका कम होते जाता है, निम्न ताप होते जाता है, तो पानी भी बर्फ के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट होते जाता है। तो ये आप लोगों का हो गया ताप के अंतर्गत हो गया। तो आज का कंटेंट को हम लोग यही ताप के अंतर्गत में सीमित रखते हैं, और इसका जो नेक्स्ट कंटेंट है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास है उसको हम लोग ऊष्मा और ताप दोनों के बेस पे यहां पर ओवर करते हैं, और नेक्स्ट कंटेंट में हम लोग ताप का ऊष्मीय प्रभाव क्या होती है, तापीय प्रभाव क्या होती है, और इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।